हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग? चलिए बच्चों बताइए कैसे हैं, और क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं क्या? सो गाइस बताएंगे क्या हम लोग लाइव आए हैं या नहीं? लेट मी चेक एक बार, क्या हम लोग लाइव आ गए हैं क्या? बिल्कुल, वी आर लाइव। यस वी आर लाइव। तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इससे पहले एक बार मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्या टॉपिक आज होने वाला है और क्या उसके अंदर मेन हम फोकस करने वाले हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन एक बार हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे चीज़ें अपनी, ठीक है? सो गाइस, माय नेम इज चंचल गोयल, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम मिशन जेई टीम। स्वागत करता हूं आपका इस अमेजिंग चैनल पर जिसका नाम है मिशन जेई, जहां पर हर बच्चे का मिशन क्या है, जेई क्रैक करना, और उसमें हम करते हैं आपकी हेल्प, ठीक है बच्चों? सो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं चंचल गोयल आपको करवाने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर। इससे बहुत ही जबरदस्त मात्रा में आजकल क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इस टॉपिक को ढंग से एक बार प्रिपेयर कर लें और सारी चीजों को ढंग से एक बार समझ लें, विद क्वेश्चंस की किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जो बच्चे 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है बच्चों, वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इजी और बढ़िया क्वेश्चन जो है हमारे बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, लाइफ और पॉलीमर से पूछे जा रहे थे। बट इन टॉपिक्स को क्यों ना हम ढंग से तैयार कर लें। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, तो पॉलीमर्स के बारे में एक बार ढंग से बात करते हैं कि पॉलीमर्स में क्या होता है, किस तरह से होता है। तो पॉलीमर्स में आप देख सकते हैं कि काफी सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे का मॉलिक्यूल्स बेटा जुड़ते चले जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से, और इस तरह से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमराइजेशन, कि कैसे हमारा एक पॉलीमर बन रहा होता है, ठीक है? तो ये बहुत जबरदस्त क्या है फिनोमिना होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं और क्या बना लेते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, और पॉलीमर से आपको पता है प्रोटेक्टिव क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कोविड चल रहा है, मास्क वगैरह, प्रोटेक्टिव मास्क, प्रोटेक्टिव ड्रेस, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का पॉलीमर ही होता है गाइस, ठीक है? तो सबके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार छोटा सा हम क्विकली सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यू कैन यूज माई कोड फॉर 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। बच्चों देखिए, आप कितने भी मंथ के लिए ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, सबके सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, सी गोल 10 मेरा कोड यूज करना है, 34650, 34650, 34650, ठीक है? 34650 में 1 ईयर का, 42525 में 18 मंथ का, और 50400 में गाइस हमारा 24 मंथ का मिलता है हमें। आइकोनिक में 12 मंथ में सी गोल 10 आप कोड यूज करते हो 58500, फिर 72000, फिर 90000 आपका हो जाता है, यही वाली सब्सक्रिप्शन जो है। और गाइस इस सब्सक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारा स्टडी प्लानर आपको मिलता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइन आपको मिलती है, टेस्ट एनालिसिस आपको मिलती है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है एक स्टूडेंट के लिए टू क्रैक एनी एग्जाम। बट प्लस कोर्स भी गाइस कम बेनिफिट वाला नहीं है, प्लस कोर्स में भी आपको जो है क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है? देखिए प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, वीकली टेस्ट मिलने वाला है आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलने वाले हैं आपको, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलने वाला है गाइस। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिले और क्या हो, लाइव क्लासेस मिले टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, और वीकली टेस्ट मिले, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिले, अनलिमिटेड एक्सेस सब कुछ मिले आपको, ठीक है? इन सब में एड ऑन करके आपको जो है स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस और ये सब चीजें मिला के आपको जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बन जाता है।
फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म गाइस आपके पास होगा, अगर आपके पास नहीं है तो अभी डाउनलोड करिए और अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज करिए CGOL10। सो अनअकैडमी ऐप पर मुझे जाने के लिए आपको क्या करना है, unacademy.com/@CGOL3534 गाइस ये मेरा लिंक है, इसको फॉलो करिए, डायरेक्ट आ जाएंगे मेरी प्रोफाइल पर। कोई भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं, कुछ बातें ध्यान रखनी है क्या करना है क्या नहीं करना है डाउट पूछते टाइम, वो बातें ध्यान रखेंगे गाइज। अगर आप अनअकैडमी प्लस से आइकॉनिक में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको जो है क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स, और IIT JEE वाले स्टूडेंट्स के जो 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए 9000 में सिर्फ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिला रहा है गाइज, बहुत जबरदस्त है। जो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं या सेक्स जो फोर्थ अटेम्प्ट को ढंग से देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो गाइस आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा CGOL10 और इसको यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट तो आपको गाइस पता ही है, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको प्राइज मिलता है। इसके अलावा 1 ईयर JEE का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है फ्री, और लकी पार्टिसिपेंट को और भी गिफ्ट मिलते हैं। ये कुछ बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं, और गाइस अनअकैडमी पर आपको कोई भी ऐसा इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट मिलता है देन गाइस यू कैन रिपोर्ट दैट इशू टू क्लेम योर प्राइज। ठीक है चलिए, सो गाइस पॉलीमर से स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर क्या होता है, किस तरह से इसको समझेंगे, तो पॉलीमर के बारे में समझते हैं एक बार कि पॉलीमर एक्चुअली है क्या। पॉलीमर जो वर्ड अराइज हुआ है वो किससे मिलके बना हुआ, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट और पार्ट। तो बहुत ज्यादा अगर पार्ट होते हैं या फिर यूनिट होती है इन दैट केस उसे क्या बोलते हैं, हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि पॉलीमर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स का सम अप है या बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट का सम अप है बचा, वो क्या है, पॉलीमर है। और अगर बात करें प्रोसेस की, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बेटा छोटे छोटे हमारे क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे यूनिट्स को अगर आप इस तरह से एक चेन में पिरो दो बेटा, तो ये क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे क्या है, ये मोनोमर्स है बेटा, क्या ये मोनोमर्स है, और ये क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा पॉलीमर क्या चीज होती है और मोनोमर क्या चीज होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड मोनोमर। क्लियर है गाइस, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम, सीधे मैंने एक चार्ट बना दिया है बेटा, इस चार्ट को सीधे डिस्कस करेंगे और आपका 3-4 पेज की जो कहानी है पॉलीमर वाली वो आपकी सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स गाइस, ओरिजिन ऑफ क्या है उसका, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है या सिंथेटिक है। नेचुरल वो होते हैं जो प्लांट से मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर कौन से आ जाएगा गाइस, नेचुरल पॉलीमर में हमारे कौन सा आ जाएंगे, नेचुरल पॉलीमर में जैसे आपको पता है हमारा स्टार्च होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, सेलुलोज होता है, ये सब क्या है हमारे नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। वैसे सेमी सेमी सिंथेटिक की अगर बात करी जाए तो सेमी सिंथेटिक में एक तो आता है सेल्यूलोज नाइट्रेट, बच्चों ध्यान रखोगे सेल्यूलोज नाइट्रेट, और इसमें आता है हमारा रेयॉन, ठीक है ना, रेयॉन और सेलुलोज नाइट्रेट हमारे सेमी सिंथेटिक में आते हैं। कंप्लीटली सिंथेटिक में तो बच्चों बताइए आपको नाइलॉन आ जाता है, आपका एक्रिलिक फाइबर आ जाता है, और आपका पॉलीथीन आ जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो मोनोमर पॉलीमर है हमारे, ये सारे हमारे किसमें आते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में। तो जो मेन मेड पॉलीमर है वो बच्चों किसमें आते हैं, सिंथेटिक में आते हैं, कंप्लीटली सिंथेटिक में। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे गाइस लीनियर पॉलीमर होते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। फिर ब्रांच पॉलीमर होते हैं, ब्रांच में क्या होता है हमारा, ब्रांच वाले के अंदर आप समझ सकते हैं कि एक क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी, इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है। और एक होते हैं क्रॉस लिंक, तो क्रॉस लिंक में क्या होता है, इस तरह से हमारे पॉलीमर की चेन होंगी, और ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। अब इन सबके एग्जाम्पल जो है गाइस वो आप ध्यान रखोगे, लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल पॉलीथीन आता है इसके अंदर, और ब्रांच पॉलीमर के अंदर भी क्या आता है हमारा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन आ जाता है, ठीक है ना, सॉरी एक में लो डेंसिटी पॉलीथीन आ जाएगा, एक में हाई डेंसिटी पॉलीथीन आ जाएगा, और क्रॉस लिंक पॉलीमर के अंदर बैकलाइट मेलामाइन आ जाएंगे। तो इस टाइप के पॉलीमर हमारे इसमें आ जाएंगे।
पीवीसी हमारा लीनियर पॉलीमर में आ जाएगा, ठीक है ना। ब्रांच चेन पॉलीमर कौन सा होता है? लो डेंसिटी पॉलीथिन। लीनियर चेन पॉलीमर कौन सा? हाई डेंसिटी पॉलीथिन। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आप कर लोगे एक बार। फिर इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिन पॉलीमर कौन कौन से होते हैं? इलास्टोमर बेटा वो पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक होती है। सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर में होती है, इसलिए इलास्टिसिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए क्या होती है? इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। और इलास्टिसिटी वाला एग्जाम्पल आती है बेटा रबर की, बात याद रखेंगे। रबर क्या होता है मेरा? इलास्टोमर होता है, ठीक है ना। रबर कैसा भी हो, नेचुरल हो, सिंथेटिक हो। फिर फाइबर की बात करते हैं। फाइबर क्या होते हैं? आपको पता है रस्सियों को क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। फाइबर हमारे ऐसे पॉलीमर है जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल मेरे आ जाते हैं नाइलॉन और एक्रेलिक फाइबर, ठीक है ना। एक्रेलिक फाइबर, इस टाइप के जो फाइबर है हमारे, वो इसमें आ जाते हैं। फिर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में डिफरेंस क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं इनको रिमोल्ड किया जा सकता है। जैसे आपकी बकेट वगैरह होती है, इनको रिमोल्ड किया जा सकता है। लेकिन आपके इलेक्ट्रिकल स्विच, ठीक है, और आपके जो किचन में यूज होने वाले वेसल्स होते हैं, उनके हैंडल्स का ही वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। एक बार उनकी शेप आपने चेंज कर दी तो वो फिर दोबारा से क्या होता है, उनको उनके शेप को रिगेन नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो खराब हो जाते हैं, रिमोल्ड उनको नहीं कर सकते, ये बोल सकते हो आप। तो ये रिमोल्ड हो सकते हैं, रिमोल्ड हो सकते हैं, और ये रिमोल्ड नहीं हो सकते। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, रिमोल्ड होने वाले कौन कौन से होते हैं? पीवीसी, पॉलीथीन, ये रिमोल्ड हो सकते हैं। लेकिन बैकेलाइट और मेलामाइन की अगर बात करी जाए बच्चों, तो ये हमारे रिमोल्ड नहीं हो सकते। तो ये एग्जाम्पल सारे एज इट इज आपको जो है याद रखने हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद अगर आगे की बात करी जाए बच्चों, तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर जो है हमारे आते हैं। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर जो सिंपली एडिशन होने से बनते हैं, उनको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। तो मैं आपको जो है यहीं पर आपको बच्चों समझा देता हूँ कि कैसे आपको जो है समझना है। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसका एडिशन बेटा कितना हो रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हो रहा है। तो होता क्या है कि CH2 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 इस तरह से चैन बनती चली जाती है। ये डबल बॉन्ड ने यहाँ अटैक करा, ये आगे अटैक करेगा, और इस पर किसी ने पीछे से अटैक किया होगा, तो इस तरह चैन बनती चली जाएगी, लंबी बनती जाएगी, आगे आगे अटैक होता रहेगा और चैन लेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसे बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। सिंपली एडिशन होते जा रहा है, चैन बनती जा रही है। लेकिन एक हमारा क्या होता है, हमारा एक कंपाउंड है जिसको क्या बोलते हैं हम, एडिपिक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करा दूं, देखो इसके अंदर OH और इसका H मिलके बाहर निकल जाता है, वाटर लॉस होगा, फिर बीच में क्या बनेगा? यहाँ पे कोई चैन होगी COOH, और फिर इस तरह से रिंग बनी होगी, मतलब चैन बनी होगी। 2 3 4 5 6, 6 से क्या जुड़ा हुआ था? CO। अब यहाँ से क्या जुड़ गया? NH। और फिर बेटा इस तरह से चैन बन के हमारा NH2 जुड़ा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो CONH बॉन्ड बन गया, एमाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो एमाइड बॉन्ड बना है, ये एमाइड बॉन्ड जो बना है, इसका काम क्या है बच्चों? ये हमारा बहुत सारे बनेंगे तो इस कंपाउंड को पॉलीमाइड बोल सकते हैं। तो इसके अंदर बनते टाइम क्या हुआ था? वाटर लॉस हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इसलिए इस कंपाउंड को बेटा क्या बोलेंगे, या इस तरह की पॉलीमराइजेशन क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यानी कुछ पार्ट क्या हो गया? कंडेंस होकर बाहर हो गया। जैसे यार बारिश होती है ना, बारिश होती है बच्चों, बारिश में क्या होता है? कंडेंसेशन तो होता है बारिश में, वाटर की ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाती है, जब तो बारिश होती है, मौसम चल रहा है बारिश का। तो ये जो चीजें होती हैं, ये ऐसी तो होती है, ये हमारा कैसे होता है? COOH और NH2 पार्ट जब रिएक्ट करते हैं बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल होता है बाहर, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और सिंपली एडिशन हो रहा है तो हमारा पॉलीथीन और ये सब आ जाएगा। ये नाइलॉन 6 का एग्जाम्पल मैंने आपको जो है, नाइलॉन 6 6 का एग्जाम्पल मैंने आपको जो है दिया है। नेक्स्ट पार्ट में चले अगर गाइस, तो जेई में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर है गाइस, इसमें कौन आता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन आता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है?
इथीन लेकर के, एन नंबर ऑफ इथीन लेकर के हाई टेम्परेचर प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्रेशर आप अप्लाई करोगे और फ्री रेडिकल इनिशिएटर आप लोगे। फ्री रेडिकल क्या लोगे? इनिशिएटर आप लोगे और क्या बनाओगे फिर आप? सीधे पॉलीथीन बना दोगे। बताओ ये मेरा जो बनेगा क्या बनेगा? लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। फिर बात कर लेते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में बच्चों क्या होने वाला है? हमारे पास CH2 के डबल बॉन्ड के इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे और इसके अंदर हम क्या लेंगे? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट का नाम याद रखेंगे, जिगलर नाटा। अब आप बोलोगे सर कैटलिस्ट क्या होता है? ये कैटलिस्ट होता है TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। ये हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है कॉम्बिनेशन। इसकी प्रेजेंस में हमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही लो अप्लाई करना पड़ता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी कि 6 से 7 ATM प्रेशर पर, वैसे तो 1000-2000 लगता है लेकिन वैसे इसकी कंडीशन में 6 से 7 ATM प्रेशर पे ही क्या होता है? रिएक्शन मेरी हो जाती है और इससे जो हमें एल्कीन मिलती है वो हमारी लीनियर चेन होती है, ब्रांच चेन नहीं होती। इसको बोलते हैं HDPE। HDPE का मतलब बेटा हाई डेंसिटी पॉलीथीन और इसका मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन। इनके यूज भी समझते चलना बच्चों। लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में यूज होता है बच्चों के टॉयज बनाने में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पोली बैग जो कैरी बैग बनते हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहाँ यूज होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन गाइस हमारा यूज होता है हैवी बकेट्स बनाने में, डस्टबिन बनाने में, इस तरह के काम में हमारा कौन यूज होता है? हैवी डेंसिटी पॉलीथीन यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन में क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड, CF2 का पॉलीमराइजेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर प्रेशर पर। ये हमारा क्या देता है? टेफ्लॉन देता है। टेट्राफ्लोरोइथीन ये हमारा टेफ्लॉन देगा। पॉलीएक्लोराइनाइट्राइल ईकोन देता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। इसको अगर पॉलीमराइज करेंगे बिल्कुल इथीन की तरह पॉलीमराइज होता है। ये हमारा क्या देता है? हमारा पॉलीएक्लोराइनाइट्राइल देता है। इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्रिल। जैसे इसका पॉलीमराइज कर देते हैं तो हमें पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल मिल जाता है। फिर बात करते हैं टेफ्लोन के यूज की। नॉन स्टिकी पैन बनाने में यूज होता है। नॉन स्टिकी पैंस बनाने में यूज होता है। पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल क्या है? आर्टिफिशियल वुल है बेटा। क्या है ये? आर्टिफिशियल वुल। बेटा लिखते चलेंगे साथ साथ चीजें, जो जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें नोट करते रहना। पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल जो है किसमें यूज होता है? आर्टिफिशियल वुल के अंदर। टेफ्लोन हमारा नॉन स्टिकी पैंस के अंदर। HDPE हमारा बकेट्स और डस्टबिन बनाने में यूज होता है। LDPE हमारा पॉली बैग बनाने में यूज होता है। फिर बात कर रहे हैं पॉलीस्टाइरीन की। तो पॉलीस्टाइरीन का बेटा मोनोमर कौन होता है? स्टाइरीन। इसका मोनोमर कौन सा है? स्टाइरीन। बेंजीन लगा होता है CH1CH2 से। इसके मोनोमर से क्या बनता है? पॉलीमराइज करोगे बिल्कुल सेम इथीन की तरह क्या होगा? पॉलीमराइज होगा। अब इसका यूज क्या होता है बेटा? बबल रैप बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, और भी इसके यूज होते हैं रैपिंग वगैरह करने में। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी के अंदर देखो एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ इसको पूरे पार्ट को, ठीक है, एक बार इरेज कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चेंज कर लिखना है तो आपको पीवीसी की अगर बात करी जाए तो पीवीसी में क्या होता है बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड ये वाला स्ट्रक्चर होता है। इसका अगर मैं पॉलीमराइज करवाऊंगा तो बच्चे क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? यहाँ पर एक CH2 खुल जाएगा, यहाँ पर एक CH, CL और इस तरह से ये N नंबर मेरे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? PVC। इसको क्या बोलेंगे? VC। VC मतलब विनाइल क्लोराइड, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर बात आती है पॉलीप्रोपीन की। तो प्रोपीन तो आपको पता है बच्चों क्या होता है? ये वाली स्ट्रक्चर होती है प्रोपीन। इसका अगर मैं वो करवाऊंगा पॉलीमराइजेशन तो क्या होगा? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे क्या हो जाएंगे? जुड़ते चले जाएंगे। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे मेरे? जुड़ते चले जाएंगे और क्या बन जाएगा? पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीवीसी का यूज हमें पता है, डोर वगैरह बनाने में यूज करते हैं और रेनकोट में भी यूज होता है। पॉलीप्रोपीन का भी अलग अलग यूज होता है ना, पॉलीथीन की तरह। इसको भी प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक वाले जहां काम होते हैं वहां यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलना है गाइस। तो ये एडिशन पॉलीमर हो गए सारे, ये सारे क्या हो गए हमारे? एडिशन पॉलीमर हो गए। अब बात कर रहे हैं हमारे कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर की। तो कंडेंसेशन पॉलीमर गाइस मैं आपको बताते जा रहा हूँ, साथ साथ नोट करते जाओगे, ठीक है, क्योंकि इरेज करते रहूंगा साथ साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं नाइलॉन 6-6 की बेटा। तो नाइलॉन 6-6 के जो मोनोमर होते हैं वो कौन कौन होते हैं?
ये हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर में पहला हमारा मोनोमर होता है हमारा एडिपिक एसिड, और दूसरा हमारा मोनोमर होता है 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये NH2 लगा दिया। तो बच्चों इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? एडिपिक एसिड होता है। और इसका नाम क्या होता है? हेक्सामिथिलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथिलिन डाइअमाइन। ठीक है, अब क्या होता है इसका OH और इसका हमारा H बेटा मिलके बाहर हो जाएगा। और जैसे ही हमारा बाहर होगा बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है जैसे ये बाहर होगा नाइलॉन 6-6 में, तो क्या बनने वाला है? एक अमाइड बॉन्ड बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? अमाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बाकी स्ट्रक्चर तो रह गए थे, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट का क्या बनाया है, पिक्चर बनाया है। तो ये अमाइड बॉन्ड बन जाएगा, और अमाइड बॉन्ड बनने के बाद देखो यहाँ पे कार्बन 3 4 5 6, ये हमारा CO, ये एसिड इसका भी बन जाएगा, OH बाहर हो जाएगा, और इसका भी NH बाहर होना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बनाने के बाद फिर हमारा NH रहेगा, तो NH का भी ये बाहर होना है। तो ये N नंबर हमारे अगर दोनों के लिए मैंने, तो इसके N हमारा क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसी। तो ये हमारा बन जाएगा नाइलॉन 6-6। क्या बन जाएगा? नाइलॉन 6.6। 6.6 को इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 6.6 बोलने के पीछे रीजन हमारा क्या है, क्योंकि इसके अंदर दोनों 6-6 कार्बन के हमारे मोनोमर है। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों कैप्रोलेक्टम। तो कैप्रोलेक्टम से मैं आपको जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बताना शुरू करता हूँ। कैप्रोलेक्टम क्या होता है? इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हमारी, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, पहले हाइड्रोलाइज करते हैं। बच्चों JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, किस पॉलीमराइजेशन में हाइड्रोलिसिस जरूरी होता है? पहले इसको क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, और फिर ये NH2 बन जाएगा। तो पहले इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, फिर पॉलीमराइज करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, देन पॉलीमराइज करके क्या बनने वाला है? नाइलॉन 6 बनेगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नोवोलैक और मेलामाइन सेम नहीं होते बच्चों, प्रियांशु मोल, नोवोलैक और मेलामाइन सेम नहीं है। तो नाइलॉन 6 एक ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस होती है पहले, ठीक है। फिर बेकलाइट की बात कर रहे हैं, बेकलाइट क्या होता है? बेकलाइट की अगर बात करी जाए तो बेकलाइट के अंदर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड हमारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इसमें क्या होता है? फिनॉल कनेक्ट होता है किससे? फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO से। तो आपको पता है जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे और ऑर्थो पोजीशन से क्या कर देंगे, इस पर अटैक करेंगे। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा ये फिनॉल के इधर पोजिशन पे क्या लग जाए? CH2OH लग जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा यही लगेगा, ठीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा फिनॉल के दोनों तीनों पोजीशन पे क्या लग जाए? OH लग जाए, ठीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर मैं सिर्फ ऑर्थो वाले पार्ट को रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, सिर्फ ऑर्थो वाले पार्ट को अगर मैं रिएक्ट करूंगा किससे? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो क्या बनेगा? आपको ध्यान रखना है ऑर्थो वाला पार्ट, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। ये OH रहेगा, ये OH रहेगा, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली? बेसिकली हो क्या रहा था, समझ लो एक बार। ये मान लो इस तरह की स्ट्रक्चर है मेरी फिनॉल की, और ये OH और ये H। तो दूसरे वाले का H और इसका OH मिलके बाहर निकल रहा है वाटर की तरह, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में रखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बनती है हमारी इस तरह की, इसको क्या बोलते हैं हम? इस तरह से कवर कर दो इसको, ठीक है ना। इस तरह से क्या कर दो? कवर कर दो। इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों? नोवोलैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोवोलैक बोलते हैं। और नोवोलैक को अगर मैं हीट कर दूं किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, या वैसे भी हीट कर लो, तो क्या होता है, पूरा इसके अंदर ब्रांचिंग हो जाती है, क्रॉस लिंक बन जाते हैं। और क्रॉस लिंक बनने के बाद यही स्ट्रक्चर हीटिंग के बाद क्या बन जाती है? बैकेलाइट बन जाती है। क्या बन जाएगी?
बैकलाइट बन जाती है। बैकलाइट के अंदर आप ये वाली स्ट्रक्चर एज्यूम कर सकते हो, ऊपर नीचे से क्या बनेंगे, लिंक बनने शुरू हो जाएंगे। और लिंक अगर बनेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि और ज्यादा हार्ड बन जाएगा। तो बैकलाइट हमारा कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच और हमारे हैंडल्स बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मेलामाइन की। ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको, मैंने यूज भी बता दिए हैं इसके। यूज क्या होते हैं इसके, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और क्या बनाने में यूज होगा इसका, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हमारा हैंडल्स बनाने में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेलामाइन की। तो मेलामाइन एक कंपाउंड से बनता है, समझिएगा इसको। मेलामाइन के बारे में क्या चीज होती है, मेलामाइन के बारे में समझना। मेलामाइन में क्या होता है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है हमारी जिसके अंदर नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और इस तरह से कार्बन इस तरह से रहता है। ठीक है ना, इसको भी ऐसे दिखा लो, ये भी कार्बन है। ठीक है, और जो हमारा, हाँ बिल्कुल, तो हमारे इसके अंदर मेलामाइन के अंदर क्या होता है बताओ, मेलामाइन के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, याद आ रही है आपको? मेलामाइन के अंदर जो स्ट्रक्चर यूज होती है मेरी, वो स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो स्ट्रक्चर कैसी होती है बताओ एक बार। हमारी इस पर क्या लगा होता है, नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे कुछ नहीं लगा रहता, लेकिन हमारा इसके अंदर NH3 लगा रहता है ना, यहाँ पर NH3 और ये अल्टरनेट पोजिशन, सॉरी NH2 NH3 क्यों लगेगा, NH2 लगा रहता है। और अल्टरनेट पोजिशन पे क्या लगे होते हैं, डबल बॉन्ड लगे होते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब मैं SCHO से करता हूं तो क्या होता है, इसका जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करता है और क्या बना लेता है, यहाँ नाइट्रोजन लगा लो, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा लो, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऐसे। तो ये अल्टरनेट पोजिशन पे क्या लगा लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये CH NH2 और ये हमारा NH क्या बन जाएगा, इसके बाद अगर ये अटैक करेगा तो क्या बनने वाला है बच्चों बताओ, NH2 या NHCH2OH बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बना लेगा ये, NH बना लेगा और CH2OH बना लेगा ये। ठीक है ना, NHCH2OH बन जाएगा और ये वाला NH2 लगा रहेगा, ये वाला NH2 भी लगा रहेगा। तो इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बना ये हमारा, इंटरमीडिएट बन गया। और इंटरमीडिएट का पॉलीमराइजेशन कर दें अगर हम, इसका क्या कर दें, पॉलीमराइजेशन कर दें, तो इससे क्या बन जाता है, मेलामाइन बन जाता है बच्चों। ठीक है ना, मेलामाइन बन जाता है। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, सेम पार्ट होगा, इसका OH और इसका H निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका OH और इसका H निकल जाएगा। तो जैसे ही निकल जाएगा तो मेलामाइन आपका बन के तैयार हो जाएगा। मेलामाइन बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्ट्रक्चर का नाम भी क्या होता है, मेलामाइन होता है। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम भी क्या होता है, मेलामाइन ही लिखा रहता है NCERT में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टेरिलीन डेक्रॉन और ग्लिप्टल की। तो टेरिलीन मेलामाइन का यूज कहाँ होता है बच्चों, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में यूज होता है। अनब्रेकेबल जो हमारे होते हैं ना क्रॉकरी, उसको बनाने में यूज होता है, ध्यान रखना बच्चों, ये अनब्रेकेबल वर्ड जरूर याद रखना है। क्रॉकरी बनती है वो भी अनब्रेकेबल, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, ग्लिप्टल और डेक्रोन की। ग्लिप्टल और डेक्रोन क्या होते हैं, और टेरिलीन के बारे में बात करेंगे और ग्लिप्टल के बारे में बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बच्चों देखो ऐसे बनेगी, हमारे पास दो तरह के क्या है स्ट्रक्चर। देखो ग्लिप्टल के बारे में अगर बात करें तो ग्लिप्टल के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल होता है एक, तो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल के अलावा थैलिक एसिड लेते हैं हम, थैलिक एसिड लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और हमारा थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड में ऑर्थो पोजिशन पे, 1-2 पोजिशन पे क्या लगा रहता है, COOH लगा रहता है। और यहाँ से इसकी रिएक्शन होती है, और देखो इसका OH और इसका COOH रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या बनेगा, ईस्टर बन जाएगा। इनका क्या बनता है, ईस्टर लिंकेज बनेगी ना, ईस्टर, तो इसलिए इसको पॉलीस्टर भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, पॉलीस्टर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना बातें वाली। अगर हम बात करें इसमें टेरिलीन और इसको मिला के क्या बोलते हैं,
फेरिलीन और इसको मिला के बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, इन दोनों का नाम क्या है, पॉलीस्टर है, इसका नाम दोनों का पॉलीअमाइड है, ठीक है ना, और इनको तो हम कुछ नहीं बोलते, इनका तो ऐसा कुछ नाम नहीं होता, पॉली कुछ करके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम चीज़ें जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल जो है आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारा ग्लिप्टल बनाएंगे, ग्लिप्टल, ठीक है, और जो हमारा ये इथिलीन ग्लाइकोल और टर्थैलिक एसिड ही मिलकर क्या बनाएगा, टेरिलीन बनाएगा। बच्चों तो ध्यान रखना, टेरिलीन और डेक्रोन एक ही चीज होती है, टेरिलीन और डेक्रोन एक ही चीज है, ठीक है, टेरिलीन और डेक्रोन सेम चीज होती है बच्चों, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, टेरिलीन का तो यूज आपको पता है, टेरिलीन का यूज क्या होता है बच्चों, टेरिलीन का यूज तो आपको पता है ना, फाइबर है एक तरह का, और ग्लिप्टल का यूज क्या होता है, हमारा पेंट्स बनाने में यूज होता है, ग्लिप्टल का पेंट्स बनाने में यूज होता है, पेंट्स बनाने में यूज होता है ग्लिप्टल का बच्चों। और जो हमारे डेक्रोन वगैरह का यूज होता है, हमारे सेफ्टी हेलमेट जो बनते हैं ना उसके अंदर जो है हमारा उसका यूज होता है डेक्रोन का, ठीक है ना, टेरिलिन और डेक्रोन आप बोल सकते हैं, सेफ्टी हेलमेट में मिक्स करा जाता है इसको, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तेरे बात वाली सेफ्टी हेलमेट के अंदर इसको यूज करते हैं हम मेनली, टेरिलिन या डेक्रोन को, ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है कोपोलीमराइजेशन, ठीक है, कोपोलीमराइजेशन क्या चीज है, कोपोलीमराइजेशन की अगर बात करी जाए तो कोपोलीमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म अ कोपोलीमर, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, हमारा कोपोलीमराइजेशन के अंदर ब्यूना एस आता है, ब्यूना एन आता है, नियोप्रीन, सॉरी नियोप्रीन हम इसके अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है, नियोप्रीन नहीं आएगा इसके अंदर, नियोप्रीन क्योंकि एक ही तरह के स्ट्रक्चर से बनता है, पॉलीआइसोप्रोपीन भी नहीं आएगा, एक्चुअली सारे रबर बन गए, ठीक है ना, ये दोनों नहीं आएंगे, है सारे रबर, लेकिन इनमें से अगर बात करें कोपोलीमराइजेशन तो सिर्फ ये दोनों क्या है हमारे, कोपोलीमराइजेशन है, ठीक है, कोपोलीमराइज प्रोडक्ट है, बाकी ये दोनों कैसे हैं हमारे, ये इसको हटा देंगे, ठीक है ना, ये हमारे क्या है, नियोप्रीन और पॉलीआइसोप्रीन, ये तो हमारे रबर आते हैं, ठीक है ना, ये क्या हमारे रबर है, रबर सारे हैं, लेकिन कोपोलीमराइज ब्यूनाइस और ब्यूनाइन है, तो ब्यूनाइस और ब्यूनाइन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस तरह से ब्यूटा-1,3-डाईइन और स्टाइरीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेंजीन ले लूं, तो ये मेरा क्या होता है, स्टाइरीन होता है, तो ब्यूटा-1,3-डाईइन ये और स्टाइरीन मिला के क्या बनता है बच्चों, ब्यूनाइस बना देते हैं, ठीक है ना, और अगर मैं ब्यूटा-1,3-डाईइन ले लूं और साथ में क्या ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, तो ये मेरा क्या बना देगा, ब्यूना एन बना देते हैं, ये क्या बनाते हैं हमारे बच्चों, ब्यूना एन बना देता है, तो ब्यूना एस और ब्यूना एन दो तरह के क्या होते हैं हमारे पास, रबर होती है जिसके अंदर अलग अलग हमारे क्या होते हैं, वो पॉलीमर होता है, जिसमें कॉमन क्या है हमारा, ब्यूटा-1,3-डाईइन, ठीक है ना, ब्यूटा-1,3-डाईइन, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्यूटा-1,3-डाईइन हमारा होता है बिल्कुल लाइव क्लास है बच्चों, ये लाइव है, लाइव क्लास इज ये पवन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट आप समझ लो एक बार, हमारा नियोप्रीन और आइसोप्रीन में क्या डिफरेंस है, नियोप्रीन के अंदर बच्चों हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्लोरोप्रीन बोलते हैं, और इसका पॉलीमराइज करके हमारा क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है, ठीक है, इसका नाम होता है क्लोरोप्रीन, तो इसको पॉलीमराइज करके क्या बनने वाला है हमारा, नियोप्रीन बनने वाला है, जबकि पॉली आइसोप्रोपीन, सॉरी पॉली आइसोप्रीन जो है उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, पॉलीमराइज होती है, और इससे क्या मिलता है हमें, पॉलीमराइज होने के बाद पॉली आइसोप्रोपीन, पॉली
आइसोप्रीन ये मिलने वाली है हमें, तो इसको बोलते हैं नेचुरल रबर। बच्चों नेचुरल रबर के बारे में आपको पता रहना चाहिए, नेचुरल रबर किससे बनती है, पॉली आइसोप्रीन से बनती है, और जो हमारी सिंथेटिक है, सिंथेटिक में हमारी नियोप्रीन आ जाती है, ब्यूनाइस ब्यूनाइन आ जाती है, जिसमें से ब्यूनाइस और ब्यूनाइन क्या है बच्चों, ये हमारी किस तरह की है, ये हमारी कोपोलीमराइज्ड है, और नियोप्रीन हमारी कोपोलीमर नहीं होमोपोलीमर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात कर लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में कौन कौन आते हैं बच्चों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में दो तरह की चीजें आती हैं मेनली, तो कौन कौन होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर पहला तो हमारा होता है पीएचबीवी, पीएचबीवी। ठीक है, पीएचबीवी का नाम बहुत ही बड़ा सा होता है, पॉली हाइड्रोक्सी बीटा वलरेट ऐसे तरह के कुछ नाम होता है, पॉली हाइड्रोक्सी, इसका नाम मैं लिख देता हूँ आपको याद रहेगा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटाइरेट, फिर ओ बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसका नाम क्या होता है, पीएचबीवी। पीएचबीवी बच्चा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसके अंदर हमारा ब्यूटेनोइक एसिड होता है, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और हमारा क्या होता है, 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो इसके अंदर दो क्या होते हैं हमारे, मोनोमर होते हैं, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये दो मोनोमर आपस में रिएक्ट करके बच्चे क्या बनाने वाले हैं, ये दो मोनोमर आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर बनाते हैं, इसका नाम क्या होता है, पीएचबीवी होता है। ठीक है, पीएचबीवी होता है, और पीएचबीवी के अंदर क्या खास बात होती है कि पीएचबीवी जो हमारे होता है ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, मेडिसिन वगैरह पर्पस में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, मेडिसिन को कवर करने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होता है, क्या नाम होता है उसका, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में क्या होता है, एक हमारा मोनोमर होता है ग्लाइसिन, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं NH2CH COOH, ठीक है, NH2CH2COH, ठीक है, ये हमारा ग्लाइसिन होता है, और एक हमारा होता है NH2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये होता है 6-अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। तो 6-अमीनो हेक्सेनोइक एसिड क्या होता है हमारा, ये दो हमारे पार्ट कौन से हैं, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 के मोनोमर है, ये आपस में क्या करते हैं, इसका अमाइड बन जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरह से अमाइड लिंकेज बनती है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में ये, लेकिन ये कैसा होता है हमारा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो ये हमारा ओवरऑल पार्ट था किसके बारे में बच्चों, पॉलीमर के बारे में। अब पॉलीमर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पॉलीमर के। तो पीवीसी किस टाइप का पॉलीमर है, चलिए गाइस बताएंगे पीवीसी किस टाइप का पॉलीमर है, पीवीसी के बारे में बताएंगे बच्चों, पीवीसी किस टाइप का पॉलीमर है, क्या ये थर्मो प्लास्टिक है, क्या ये थर्मोसेटिंग है, किस टाइप का पॉलीमर आपको लगता है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, कंपाउंड पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, या सिंपल पॉलीमर है। तो पीवीसी की अगर बात करी जाए तो पीवीसी किस टाइप के पॉलीमर में आता है बच्चों, ये बताइए, तो पीवीसी के बारे में अगर बात करी जाए तो पीवीसी बच्चों किस में आता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में आता है, क्योंकि इसकी शेप को हम रिमोल्ड कर सकते हैं, इसकी शेप को क्या कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में बताएंगे कि सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेंबल्स नेचुरल रबर इज, सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेंबल नेचुरल रबर, ऐसा कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है जो नेचुरल रबर से रिजेंबल कर रहा है,
चलिए गाइस बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेंबल्स अ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर से रिजेंबल करने वाला जो हमारा पॉलीमर है, ठीक है, वो क्या होने वाला है? वो होता है बेटा नियोप्रीन। अभी मैंने आपको बताया नियोप्रीन भी क्या है, नेचुरल रबर से रिजेंबल करता है। नियोप्रीन किससे बनता है बच्चों? क्लोरोप्रीन से बनता है, ठीक है ना। किससे बनेगा ये? क्लोरोप्रीन से बनता है। और इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। बार बार वही गलती हो रही है। चलिए एक बार देख लेते हैं नियोप्रीन कैसे बन रहा है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्रीन की, जब ये पॉलीमराइज कर जाता है। इसके पॉलीमराइज बनने के बाद क्या बनता है? नियोप्रीन बनता है। ये हमारा सिंथेटिक होता है। कैसा होता है? ये हमारा सिंथेटिक है। जबकि जो हमारा ये है आइसोप्रीन, इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रीन। ये हमारा क्या होता है? नेचुरल रबर बनाता है, नेचुरल रबर बनाता है। तो दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसमें बस मिथाइल है, इसमें क्लोरीन है, दोनों में ही डिफरेंस है। बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं, ठीक है। नियोप्रीन आ जाएगा इसका आंसर। क्लोरोप्रीन बच्चों मोनोमर होता है, ठीक है। क्लोरोप्रीन इसका नाम होता है। क्लोरोप्रीन क्या है? मोनोमर है। कभी कभी बच्चों को लगता है क्लोरोप्रीन आंसर होगा, लेकिन क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर एंड नियोप्रीन इज द पॉलीमर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोपॉलीमर। कौन सा बायोपॉलीमर नहीं होगा? कौन सा बायोपॉलीमर नहीं है? प्रोटीन बायोपॉलीमर नहीं है, रबर बायोपॉलीमर नहीं है, सेलुलोज बायोपॉलीमर नहीं है, आरएनए बायोपॉलीमर नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो गाइस बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन इतना इजी है, बहुत ज्यादा इजी, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन कि कौन सा पॉलीमर बायोपॉलीमर नहीं है। तो ये गाइस क्वेश्चन बताना बहुत ही इजी है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारा, बता दीजिए फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा रबर। रबर एक बायोपॉलीमर नहीं है, बाकी सारे हमारे प्रोटीन, सेलुलोज और आरएनए, दीज आर द बायोपॉलीमर। ये हमारा नॉन बायोपॉलीमर है, ठीक है ना, नॉन बायोपॉलीमर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? Which one of the following statement is not true? In vulcanization, the formation of sulfur bridges between different chain make rubber harder and stronger. Natural rubber has the trans configuration at every double bond. Buna is the copolymer of butadiene styrene, or natural rubber is the 1/4 polymer of isoprene. तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताइए जरा। Which should be the correct answer? चलिए गाइस मैं एक बार डिस्कस करता हूँ आपसे। देखो वल्कनाइजेशन अगर होता है रबर का तो क्या होता है, इसमें नेचुरल रबर को बेटा हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, केमिकल रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर को ट्रीट करते हैं सल्फर से। तो ये होता है हमारा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, जिससे हार्ड स्ट्रॉन्गर बनता है। तो स्टेटमेंट तो सही है, नेचुरल रबर हैज अ ट्रांस कॉन्फिग्रेशन। बट ट्रांस ना होकर के सिस कॉन्फिग्रेशन होती है, ये बात नोट कर लोगे जिनको नहीं पता बात ये वाली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर आ जाओ इस पर, 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है गाइस बताएंगे जरा। द मोनोमर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ओरलॉन। मोनोमर विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ओरलॉन सब्स्टिट्यूट ऑफ वुल इज।
बच्चों करेक्ट आंसर इसका होता है एक्राइलोनाइट्रिल, ध्यान रखना है, नोट कर लो बात ही वाली, एक्राइलोनाइट्रिल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं मेडिसिन पर। अब हमारा कौन सा पार्ट आ चुका है, मेडिसिन आ चुका है। तो मेडिसिन के बारे में यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो बेटा क्या बताया जाता है, केमिकल्स विच में बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और रिड्यूसिंग द सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड मेडिसिन, और ड्रग बोलते हैं उसको। ये जो ब्रांच है साइंस की विच मेक द यूज ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। इस इफेक्ट को बच्चे क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं इस तरह के ट्रीटमेंट को। क्लियर है बात ये वाली, ये ध्यान रखने की बात। कीमोथेरेपी में मेनली हम जब भी ट्रीट करते हैं तो हमारी बॉडी में, बॉडी से बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, या चलो ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एंजाइम होते हैं, बायोकेमिकल सिस्टम है और सब्सट्रेट होता है। तो कोई रिएक्शन चल रही होती है तो बेटा रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, सब्सट्रेट बोलते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो एंजाइम क्या करता है, हेल्प करता है तेज रिएक्शन करने में। तो सब एंजाइम और सब्सट्रेट बेटा क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एक्टिव साइट से, ठीक है ना। ये इससे बाइंड करेगा और इस तरह से इसको, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर धीरे धीरे करके क्या बना देगा, सब्सट्रेट का प्रोडक्ट बना देगा, सब्सट्रेट का क्या बना देगा, प्रोडक्ट। लेकिन हम क्या डालते हैं, ड्रग डालते हैं। ड्रग क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम तो पहले से ही है। अगर मान लो कोई चीज मुझे कम बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंजाइम को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर सब्सट्रेट से जल्दी कोई बाइंड करने वाला मुझे छोड़ना पड़ेगा जिससे कि मेरा प्रोडक्ट कम बने, कोई रिएक्शन चल रही है मान लो। तो उस केस में क्या यूज करता हूँ, मैं ड्रग यूज करता हूँ। तो ड्रग का काम क्या होता है, ड्रग का काम देखो बच्चे क्या होता है, ड्रग खुद जाके बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट से, सब्सट्रेट को बाइंड नहीं करने देता। इसे बोलते हैं कम्पिटिंग, ठीक है ना, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है। कॉम्पिटिटिव यहाँ पर नेचर होता है कि पहले कौन बाइंड करेगा, तो हमारा ड्रग जल्दी बाइंड कर जाता है, फिर इसलिए सब्सट्रेट जो होता है हमारा बाइंड नहीं कर पाता, ये रखा रह जाता है बेटा। अब ये रखा रह जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा ये, और ड्रग बाइंड कर गया है एंजाइम से तो एंजाइम ऑक्यूपाइड हो चुका है, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। दूसरा तरह का हमारा होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, इनहिबिटर जो हम डालते हैं वो हमारा उसकी एक्टिव साइट पे ना बाइंड करके एलोस्टेरिक साइट होती है उस पे जाके बाइंड कर जाता है, और जैसी हमारा ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाता है, जो हमारी एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिस वजह से जो हमारा सब्सट्रेट था, जो इस तरह का दिखने वाला सब्सट्रेट था बेटा, वो हमारा एक्टिव साइट पर अब बाइंड नहीं कर पाता है, बाइंड नहीं कर पाएगा, इससे शेप ही चेंज कर दे एक्टिव साइट की। इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोलेंगे इसको, नॉन कॉम्पिटिटिव। अब मैं कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा हूँ, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बन चुका है ये। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कुछ हमारे जरूरी जरूरी कंपाउंड्स है बेटा, उनके बारे में हमें ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो मैंने नोट्स तैयार करे हैं बेटा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी बातें हैं इसके अंदर। एंटा एसिड के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन गैस्ट्रिक जूस एंड रेज द पीएच टू अप्रोप्रिएट लेवल इन स्टोमक आर कॉल्ड एंटा एसिड बेटा। एंटा एसिड बोलते हैं उनको। और एंटा एसिड में जनरली यूज होने वाले कौन से कंपाउंड होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं, वीक बेसिस होते हैं, जो वही एंटा एसिड हमारे बनते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, कि इनमें से बताओ कौन सा हमारे पास पूछा गया था, कि इनमें से कौन सा हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जो बेस की तरह यूज नहीं कर सकते। तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन में दे रखा था, वीक बेस की तरह यूज नहीं कर सकते या एंटा एसिड की तरह यूज नहीं कर सकते। तो जनरली लिक्विड एंटासिड आर मोर इफेक्टिव देन टेबलेट बिकॉज मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन एसिड। तो मिल्क हमारा वीक एंटासिड है, ठीक है। वैसे तो एंटासिड होते वो ना वीक बेस, लेकिन मिल्क क्या है, वीक एंटासिड है, तो इससे बहुत कम इफेक्ट होता है, लेकिन होता है। हिस्टामिन स्टोमेट द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्रग सिमेटिडीन बेटा, सिमेटिडीन को अंडरलाइन करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विद रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्टोमक। सिमेटिडीन बाइंड टू द रिसेप्टर दैट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एंटासिड टू द स्टोमक। This result in a lesser amount of acid. Now, ranitidine, Zantac जिसको बोलते हैं,
ओमेप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल की आर यूज यूज्ड हाइपर एसिडिटी, ठीक है ना, हाइपर एसिडिटी में यूज होते हैं। तो इधर रखना है रेनिटिडीन और सिमेटिडीन, ये बेटा कॉमन हमारे क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं जिसको हम यूज कर लेते हैं। फिर बात करते हैं ट्रैंकुलाइजर की, ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं इनके बारे में ध्यान रखना बच्चों। ट्रैंकुलाइजर क्या चीज होती है, ट्रैंकुलाइजर क्या है, साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग होते हैं, केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी और इरेटिबिलिटी और माइल्ड और इवन मेंटल डिजीजेस आर नोन एज ट्रैंकुलाइजर। तो ट्रैंकुलाइजर कहाँ यूज होने वाले बेटा, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में ट्रैंकुलाइजर यूज होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट क्या करते हैं ये, अटैक करते हैं और स्लीप इंड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे इमोशनल डिस्ट्रेस दूर हो जाए। स्लीपिंग पिल में भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। नॉर एड्रेनलिन इज वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मूड चेंज, बेटा मूड चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर एड्रेनलिन। इफ द लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन इज लो द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम लो एंड द पर्सन सफर फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है ना, पर्सन को डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन के केस में नॉर एड्रेनलिन ही बच्चों यूज हो रहा होता है, ध्यान रखोगे। आजकल के जो बच्चों को डिप्रेशन होता है वो नॉर एड्रेनलिन कम रिलीज होने से होता है। इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेशन ड्रग आर रिक्वायर्ड, दिस ड्रग इनिबिट द एंजाइम दैट कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन का जो डिग्रेडेशन करता है उस कंपाउंड को इनिबिट करता है वो, और एंजाइम इज इनिबिटेड, दिस इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर स्लोली मेटाबोलाइज एंड कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चलिए ये समझ में आ रहा है, इसमें ध्यान रखना है इप्रोनिजाइड और फिनेलजीन आर टू सच ड्रग्स, ये हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो एंटी डिप्रेशन ड्रग होते हैं, ठीक है ना, फिनेलजीन और इप्रोनिजाइड, ठीक है। फिर बारबिट्यूरिक एसिड और इसके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। बारबिट्यूरिक एसिड कौन सा होता है और क्या होता है ये, वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल, सेकोनल आर नॉन एज बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स आर हिप्नोटिक, हिप्नोटिक मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट, जो पर्सन को बेहोश कर दे या नींद ले आए वो। इक्वानिल इज यूज टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपर टेंशन, बेटा ये ध्यान रखना है। इक्वानिल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नॉन हिप्नोटिक क्लोरो डाई एजेपॉक्साइड एंड मेप्रोबिमेट आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंकुलाइजर सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन, तो ये हमारे माइल्ड वाले हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर देख लोगे बेटा, ल्यूमिनल की एक बार देख लेना, वेरोनल की एक बार देख लेना और बारबिट्यूरिक एसिड की एक बार स्ट्रक्चर देख लो, बारबिट्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं गाइस, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं ये बात आप समझोगे, एनाल्जेसिक्स क्या चीज है, मेडिसिन यूज यूज फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक, पेन से रिलीफ करवा दे जो। ये दो तरह की होती है, तो नार्कोटिक जिसके बेटा लत लग जाती है, आदत हो जाती है, नॉन नार्कोटिक जिसकी आदत नहीं लगती, ठीक है ना। तो ये हमारा मोरफिन, कोडीन, ये हमारे क्या है, ये मोरफिन डाइएसिटेट और इज कॉमनली नोन एज हीरोइन। हीरोइन का मतलब पता आपको, जो हमारे ड्रग्स होते हैं चरस गांजा टाइप के ड्रग्स होते हैं उसके अंदर ये हीरोइन वगैरह मिक्स होते हैं। तो नॉन नार्कोटिक्स की अगर बात करी जाए तो नॉन नार्कोटिक्स में नॉन हैबिट वाले होते हैं, ठीक है, ये हम जनरली यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉन एडिक्टिव होते हैं, नॉन एडिक्टिव होते हैं। इसमें आता है हमारा एस्पिरिन, टू एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, हमारा मोस्ट कॉमनली यूज एनाल्जेसिक्स है विद एंटी पैरेटिक प्रॉपर्टी। एंटी पैरेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन के लिए भी एस्पिरिन को हमारा यूज होता है, ठीक है। एस्पिरिन इज वाइडली यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, ठीक है, प्रिवेंट हार्ट अटैक, ये बात ध्यान रखनी है। एस्प्रिन की स्ट्रक्चर दे रखी है बेटा, एस्प्रिन हमारा क्या होता है ध्यान रखना, एस्प्रिन क्या होता है हमारा, टॉक्सिक होता है लीवर के लिए, सम टाइम आल्सो कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम स्टोमक। सो नेप्रोक्सिन एंड आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, डाइक्लोरोफेनेक, सोडियम आर अदर वाइडली यूज एनाल्जेसिक्स। तो ये हमारे अदर वाइडली यूज एनाल्जेसिक्स हैं, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए एस्पिरिन क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि लीवर के अंदर क्या करता है, प्रॉब्लम यूज करता है, तो इसीलिए नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल टाइप की जो है मेडिसिन हमारी यूज की जाती है। फिर बात करें एंटीपायरेटिक्स की, तो एंटीपायरेटिक क्या होते हैं बच्चों, एंटीपायरेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे फीवर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो
इसमें हमारा एस्प्रिन आता है, फेनेसिटिन आता है। फेनेसिटिन को बेटा पैरासिटामोल बोलते हैं, फेनेसिटिन जो है ना ये पैरासिटामोल है। मोस्ट कॉमन, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन है ये। तो एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल टेंड टू किल प्रिवेंट द माइक्रोब, सी टू इनिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। तो एंटी माइक्रोबियल में कौन आते हैं? सल्फर ड्रग्स। ये बात अंडरलाइन कर लेना बेटा, मार्क कर लेना, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। सल्फा ड्रग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फा ड्रग, सल्फानिल अमाइड हैव ग्रेट एंटी माइक्रोबियल कैपेसिटी। दीज आर वाइडली यूज अगेंस्ट डिजीज सच एज डिप्थेरिया, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए इसमें सल्फा ड्रग जो होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर देख लो बेटा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखे हुए हैं यहाँ पर। सल्फानिल अमाइड, सल्फा डाई एजीन, सल्फा डाइमिडीन, सल्फापिरिडीन, सल्फा गोनेडीन। तो ये हमारे सल्फा जो ड्रग होते हैं डिसेंट्री वगैरह में यूज होते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस में और डिप्थेरिया में यूज होते हैं, ठीक है, जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया को बेटा ग्रोथ करने से रोकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक का काम जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। तो होते हैं बैक्टीरियल सीडल एंटीबायोटिक, जो हमारे बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिसमें पेनिसिलिन आता है, ऑफ्लेक्सिन आता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड आता है। एक होता है बैक्टीरियो स्टेटिक, तो बैक्टीरियसाइडल मार देता है, बैक्टीरियो स्टेटिक इसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होता है इराइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, बेटा ध्यान रखना है, पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है, डिस्कवर किया था जो 1929 में। उससे पहले एंटीबायोटिक नहीं थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम था। इट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पे असर नहीं करती है, सिर्फ कुछ रेंज के जो बैक्टीरिया है, एक छोटा ग्रुप है, उस पर क्या करती है, ये काम करती है। तो एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन इज सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। ये रखना है, मॉडिफिकेशन है किसका? ये क्वेश्चन भी गाइस एग्जाम में पूछा हुआ है। एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन आर द सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, ये क्वेश्चन एग्जाम में गाइस पूछा गया है, ध्यान रखोगे। फिर पेनिसिलिन इज नॉट सुइटेबल, किसके लिए सुइटेबल नहीं है? फॉर ऑल पर्सन एंड सम पर्सन आर एलर्जिक टू इट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इट इज एसेंशियल टू टेस्ट पेशेंट फॉर सेंसिटिविटी और एलर्जी टू पेनिसिलिन बिफोर इट इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड। इंडिया के अंदर पेनिसिलिन कहाँ पे बनती है बेटा? पिंपरी पे और ऋषिकेश पे बनती है, ठीक है ना, उत्तराखंड के अंदर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड, जो एंटीबायोटिक है उनको एंटीबायोटिक ही बोल रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, इन केस ऑफ टाइफाइड, डिसेंट्री, फीवर, ऑफ्लेक्सिन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। फिर आते हैं एंटीसेप्टिक पर बच्चों। एंटीसेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? जो हमारे किल कर दे ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की या फिर हमारी प्रिवेंट कर दे। ये हम लिविंग टिश्यू के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, लिविंग टिश्यू। अल्सर्स, कट लग जाए, स्किन डिजीज हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, ये सब यूज होते हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक आर डिटॉल। डिटॉल क्या होता है बेटा? मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्साइनिनॉल और टर्पिनॉल। तो क्लोरोक्साइनिनॉल और टर्पिनॉल की स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है, इससे मिलके क्या बनता है? डिटॉल बनता है। बायोथायोनल, बायोथायोनल क्या होता है? बायोथानल के बारे में जान रखोगे, इज एडेड टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी टू रिड्यूस द ऑर्डर प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियल ऑर्गेनिक मैटर ऑन स्किन, ठीक है। तो बायोथानल का काम आपको ध्यान रखना है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? ये भी हमारा एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। 2-3% ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं? पावरफुल एंटीसेप्टिक बोलते हैं आयोडीन के, सॉरी बाउंड्स के लिए। आयोडोफॉर्म जो होता है CHI3 इज ऑल्सो यूज एन एंटीसेप्टिक फॉर बाउंड। और बोरिक एसिड को अगर डायल्यूट एक्वा सॉल्यूशन में डाल दे तो ये भी मतलब वीक एंटीसेप्टिक होता है आइस के लिए। आइस ये बात ध्यान रखोगे, इससे भी क्वेश्चन जो है गाइस पूछा गया है, बोरिक एसिड वीक एंटीसेप्टिक होता है या नहीं होता, ठीक है। चलिए डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं। एंटीसेप्टिक होते हैं हमारे लिविंग टिश्यू के लिए और डिसइंफेक्टेंट होते हैं नॉन लिविंग टिश्यू के लिए। ये भी हमारा सेम काम करते हैं लेकिन नॉन लिविंग के लिए होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं ये। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल आता है फिनॉल का। तो फिनॉल जो होता है 1% हमारा सोल्यूशन इसका डिसइंफेक्टेंट होता है और 0.2% सोल्यूशन हमारा क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। तो यही से हमें चीजें समझ में आती है कि
कि हमारा जो एंटीसेप्टिक होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है, और डिसइंफेक्टेंट जो होता है जो नॉन लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है वो थोड़ा हार्ड टाइप का होता है बच्चों, ठीक है। 0.2 to 0.4 ppm aqueous solution of chlorine is used as sterilization for water to make it fit for drinking purpose. तो ये भी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। SO2 at very low concentration behave like disinfectant. ये भी डिसइंफेक्टेंट काम करती है लो कॉन्सेंट्रेशन पे। फॉर्मल्डिहाइड भी क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट करता है। रूम ऑपरेशन गैसियस थ्रेटर फॉर्म इन हॉस्पिटल, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड को यूज करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट की तरह स्प्रे वगैरह में। नेक्स्ट हमारा होता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से एंटी फर्टिलिटी ड्रग होते हैं जो हमारी फर्टाइल कैपेसिटी कम कर देते हैं, उनको बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग बोलते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस यूज टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट नोन एज स्टेरॉइड्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। नॉर एथेड्रॉन इज वाइडली यूज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। बेटा ये ध्यान रखोगे, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर एथेड्रॉन ये पूछा गया है बेटा एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। नॉर एथेड्रॉन का पर्पस क्या है, ठीक है ना। फिलिप मैट्रिक्स मैच में आया था, मैच करना था कौन कौन सा कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं गाइज जल्दी, जो एक सेशन में शेड्यूल करूंगा जिसके अंदर मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके आए थे। कुछ क्वेश्चन मैं आज भी डिस्कस करूंगा। फिर बात करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के। तो फूड प्रिजर्वेटिव की अगर बात करी जाए बच्चों, तो फूड प्रिजर्वेटिव में हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड को प्रिवेंट करते हैं स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, और न्यूट्रिटिव वैल्यू लॉन्गर पीरियड तक रहे उसकी, ये श्योर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होने वाले जो कंपाउंड है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव टेबल सॉल्ट होता है, और विनेगर भी होता है इसके अंदर, सिट्रिक एसिड, स्पाइस एंड सोडियम बेंजोएट। सॉल्ट ऑफ सोर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर यूज प्रिजर्वेटिव फॉर चीज, बैक फूड एंड पिकल्स, मीट, फिश प्रोडक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सोडियम बेंजोएट इज मेटाबोलाइज बाय कन्वर्जन ऑफ हिप्यूरिक एसिड। इसका हिप्यूरिक एसिड बन जाता है हमारी बॉडी में, विच इज अल्टीमेटली यूरिन, यूरिन से पास हो जाता है बेटा। सॉफ्ट ड्रिंक और एसिडिक फूड के अंदर इसको यूज करते हैं। फिर एंटीऑक्सीडेंट लाइक BHT एंड ये BHT है, और BHA होता है बेटा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है ये। तो इसका काम क्या होता है, देखिए ये तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, BHA है पहला वाली स्ट्रक्चर, और दूसरी वाली क्या है, BHT है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। ये हमारा CHC लगा हुआ है ना, तो टोलुइन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी तो लगा ही हुआ है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये इसके IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम जो फूड प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखने बात ये वाली। फिर आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर पे बेटा, फालतू की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। आर्टिफिशियल स्वीटनर पे आपको पता ही, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्यों यूज करते हैं, ताकि कम कैलोरीज में मीठा टेस्ट हमें आ सके। कम कैलोरीज क्यों चाहिए होती है, क्योंकि बेटा क्या होता है, शुगर वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, उनको कैलोरीज मिलती है तो उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो उनको टेस्ट अगर स्वीट चाहिए और वो चाहते हैं कि स्वीट टेस्ट मिले बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उनमें क्या किया जाता है, उस केस में उनके खाने में क्या मिला देते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला देते हैं, ताकि स्वीट टेस्ट भी आ जाए और हमारा कैलोरी भी ना बढ़े। तो ये दोनों काम हमारे हो जाते हैं किससे, इससे, ठीक है ना। ये ध्यान रखो कौन कौन सी चीजें, एस्पार्टेम 100 गुना बेटा शुगर से मीठी है, सैक्रीन 550 गुना, सुक्रलोज 600 गुना, एलिटेम आपको पता है मोस्ट सबसे ज्यादा शुगर होती है इसके अंदर, एलिटेम के अंदर, तो ये हमारी मोस्ट पोटेंशियल शुगर में आती है, जिसके अंदर 2000 टाइम हमारी क्या होती है, इसमें शुगर ज्यादा होती है। अब लेकिन इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें शुगर का अमाउंट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो इसका एक क्रिस्टल और शुगर केन वाली क्रिस्टल के 2000 क्रिस्टल बराबर है, तो इसमें शुगर को कंट्रोल करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो जनरली हम यूज क्या करते हैं, एस्पार्टेम, सैक्रिन और सैक्रोलोज को हम थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। अब एस्पार्टेम जो है मोस्ट सक्सेसफुल है, एस्पार्टेम क्या है बच्चों, मोस्ट सक्सेसफुल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है
स्वीटनिंग एजेंट है, स्वीटनर है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, लेकिन ये चीज़ आपको एक बार और पता होना चाहिए, ये हमारा यूज होने का रीजन एक और है, ये हमारा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो एक चीज लिखी हुई है, सॉरी, ये हमारा स्टेबल होता है कोल्ड टेम्परेचर पे, कोल्ड वाले टेम्परेचर स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। हाई वाले टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा ये बच्चों, अनस्टेबल हो जाता है। तो एलिटेम को यूज नहीं करते, ये आपको समझ में आ गया, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और जो हमारा ये वाला है इसको यूज नहीं करते, एस्पार्टेम को कुकिंग के लिए यूज नहीं करते, कुकिंग के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, कुकिंग के लिए इसको यूज करते हैं फिर सेक्टरलोज को यूज करते हैं। कुकिंग के लिए ध्यान रखना इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो कैलोरीज ये नहीं देते हैं। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखना है, ये वाली बात मैंने आपको बता ही दी है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया भी मैंने, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। सेक्रोलोज या ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज अपीयरेंस एंड लाइक शुगर, इट इज स्टेबल फॉर कुकिंग टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखोगे। एलिटेम हाई पोटेंसी होता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसको यूज नहीं करते। और ये हमारा एस्पार्टेम मोस्ट स्टेबल आर्टिफिशियल स्वीटनर, 100% टाइम ज्यादा क्या होता है, कैन शुगर से ज्यादा हमारा कोल्ड होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोल्ड फूड के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ बच्चों, सोप में। सोप में आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सोप के अंदर आपको पता होना चाहिए ग्लिसराइल ईस्टर, हमारा स्टेरिक एसिड होता है फैट, इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एस्टेट बनता है, यही हमारा क्या है बच्चों, सोप होता है, ये हमारा क्या है, सोप है, और ये ग्लिसरॉल है। तो ये दो चीजें बन गई, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सेपोनिफिकेशन होता है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर टाइप ऑफ सोप की अगर बात करी जाए तो बच्चों सोप जो है काफी सारे टाइप के होते हैं, टॉयलेट सोप होता है, सोप दैट फ्लोट इन वाटर, मेडिकेटेड सोप होता है, सोप चिप्स होती है, तो अलग अलग सोप होते हैं, शेविंग सोप कंटेन ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। तो ये सब चीजें आप एक बार आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनते हैं, तो एक बार ये चीजें आप देखना कि कैसे कैसे चीजें करनी है। तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं, ये फैट और ऑयल से बनता है टॉयलेट सोप हमारे, रिमूव एक्सेस अल्कलीन, कलर एंड परफ्यूम्स आर एडेड टू मेक मोर अट्रैक्टिव, ये बात आपको समझनी है। फ्लोट करने के लिए टाइनी एयर बबल बिफोर हार्डनिंग, तो इनके अंदर डाल देते हैं हम। और ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाय डिजोल्विंग सोप इन इथेनॉल देन इवोपरेटिंग एक्सेस सॉल्वेंट, ये ऐसे बनते हैं। मेडिकेटेड सोप के अंदर मेडिसिनल वैल्यू ऐड की जाती है, मेडिसिन ऐड करेंगे, डिओड्रेंट ऐड कर सकते हैं। शेविंग सोप के अंदर हम ग्लिसरॉल ऐड करते हैं ताकि जल्दी से ड्राई ना हो। अ गम कॉल्ड रेजिन इज एडेड वाइल मेकिंग देम, इट फॉर्म सोडियम रोजिनेट विच लेदर वेल, ठीक है ना, जो जिससे झाग बढ़िया बनता है। लॉन्ड्री सोप कंटेन फिल्टर लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। सोप चिप्स आर मेड बाई रनिंग अ थिन शीट मेल्टेड सोप ऑन टू अ कूल सिलेंडर, स्क्रैपिंग ऑफ सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस, सोप ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स, ठीक है। सोप पाउडर, सोप पाउडर भी होते हैं, एंड स्कोरिंग सोप्स कंटेन सम सोप स्कोरिंग एजेंट एब्रेसिव, इसको बोलते हैं, सच एज पाउडर प्यूमिस, फाइनली डिवाइडेड सैंड एंड बिल्डर लाइक सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा ये सब चीजें मिक्स होती है, ये चीज आपको जो है डिस्कस करने पड़ेगी अगर पूछी जाती है तो, ठीक है। नेक्स्ट है सोप जो है हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते, ये चीज बेटा आपको स्टार्टिंग से ही पता है, आप छोटी क्लास में भी आपने पढ़ी होगी कि क्या बन जाता है, स्कम बन जाता है, तो वो चीजें आपको पता है, तो इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं पार्ट को। फिर सोप के जो बच्चे टाइप होते हैं, सोप कितने टाइप होते हैं, सोप के, सोप को मेनली ये सिंथेटिक डिटर्जेंट, सॉरी डिटर्जेंट के तीन टाइप होते हैं। सोप के टाइप पढ़ लिए थे हमने पहले, बहुत सारे टाइप जो पढ़े थे, डिटर्जेंट के एनाइनिक डिटर्जेंट, कैटाइनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। तो एनाइनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर एनाइनिक पार्ट हमारा क्लीनिंग में रोल प्ले करें, तो इन एनाइनिक डिटर्जेंट एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन क्लींजिंग एक्शन, तो अगर एनाइनिक पार्ट हमारा क्लीनिंग एक्शन में काम आ रहा है तो उसको बोलते हैं एनाइनिक डिटर्जेंट। उसके एग्जाम्पल क्या है, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट और हमारा सोडियम लोराइल सल्फेट, ये बच्चों ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिर कैटाइनिक डिटर्जेंट में कौन आते हैं, कैटाइनिक डिटर्जेंट में वो आएंगे जिनके अंदर हमारा कैटाइनिक पार्ट हमारा क्या करता है, रोल प्ले करता है, तो सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये हो जाएगा हमारा कैटाइनिक डिटर्जेंट, इसके अंदर कैटाइनिक पार्ट हमारा रोल प्ले करेगा।
फिर नॉन आयनिक डिटर्जेंट कहाँ होते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल ये हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ये हमारा हो जाता है लिक्विड डिशवाश डिटर्जेंट आर नॉन आयनिक टाइप। लिक्विड डिशवाश जो होता है ना हम जो किचन में यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। क्लिनजिंग एक्शन डिटर्जेंट सेम होता है जैसा सोप का होता है, ठीक है ना। दिस आल्सो रिमूव ग्रीस एंड ऑयली मिसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बताएंगे गाइस, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बताओ, बारबिट्यूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव आर वेल नॉन क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, ये पढ़ा रखा है मैंने बच्चों, नोट कर लो। ट्रैंक्विलाइजर्स अ मेडिसिन यूज विच प्रमोट द यू सिक्रीशन ऑफ यूरिन, तो इसको बेटा डाईयूरेटिक ड्रग बोलते हैं, ध्यान रखोगे डाईयूरेटिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, विच ऑफ फॉलोइंग इज एंटी बैक एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग बेटा ये क्या होता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, एंटी डायबिटिक ड्रग होता है, तो कॉमन सी चीज है आपको पता रहनी चाहिए। चलिए गाइस, सो आज की क्लास में गाइस इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, और शाम को ही नेक्स्ट क्लास होने वाली है गाइस, उसके अंदर मिलेंगे हम। आप लोग मेरा कोड याद रखोगे, CGOEL10 इज माई कोड, और आप ये भी याद रखोगे कि unacademy.com/@CGOEL3354। गाइस दिस इज माई प्रोफाइल लिंक फॉर अनअकैडमी, अगर आपको ऐसे ही सेशन और भी चाहिए हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, अगर आप अभी तक नहीं हो, और अगर आप पहले से ही हो तो आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लो गाइस इस लिंक के थ्रू। चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम गाइस।